हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज जो हम डिस्कस करेंगे BLLB फिफ्थ ईयर और LLB आपका थर्ड ईयर का एग्जाम पेपर है। देख लेते हैं किस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं और किस तरीके से आपका स्कोर बन सकता है। चलिए आज डिस्कस करते हैं इस पेपर में आपका स्कोर क्या है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए देख लेते हैं। ये है बुकलेट नंबर सी जो कि फिफ्थ पेपर है लेबर लॉ। लेबर लॉ में 14 एक्ट होते हैं, डिस्कस कर लेते हैं इसे। देखें वही 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में आपका स्कोर क्या है उस पर चर्चा करेंगे। पहला, बाल श्रम प्रतिषेध एवं अधिनियम की किस धारा में बालक नियोजन करने पर दंड का प्रदान है, ये होगा आपका सेक्शन 14। ओके, सेक्शन 14 में आपका ये प्रावधान है। मजदूर महाजन सभा का निर्णय किया गया, इसमें देखिए महात्मा गांधी का रिओर्गनाइजेशन था ये प्रोग्राम, इसमें के ये है NM जोशी द्वारा जो इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। मजदूरी भुगतान अधिनियम की वह कौन सी धारा है जो कि मजदूरी के भुगतान के दायित्व से संबंधित उपबंध करती है, संबंध में उपबंध करती है। ओके, ये है सेक्शन 3। ओके, इसका देखेंगे फोर्थ का आंसर होगा, मजदूरी भुगतान अधिनियम वह कौन सी धारा है जो अधिकृत कटौती के बारे में प्रावधान करती है, यह है सेक्शन सी। ओके, मजदूरी भुगतान अधिनियम की वह कौन सी धारा है जो इस अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त निरीक्षकों की शक्तियों एवं कार्यों को बताती है, इसमें होगा 14। ओके, मजदूरी भुगतान अधिनियम वह कौन सी धारा है जो मजदूरी के आदेगमी के लिए उत्तरदायी व्यक्ति की संपत्ति को प्रतिबंधित कुर्की का प्रावधान करती है, इसमें होगा आपका सेक्शन 17। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मजदूरी भुगतान अधिनियम वह कौन सी धारा है जो इस अधिनियम के अधीन किए गए अपराधों के लिए शास्ति का प्रावधान करती है, इसमें होगा 22C। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, व्यवसायी संघ अधिनियम किस धारा के राष्ट्रीयकृत व्यवसाय संघ को प्रवासित किया गया है, इसमें है सेकंड का क। ओके, व्यवसायी संघ अधिनियम के किस अध्याय में रजिस्ट्रारों की नियुक्ति के संबंध में कोई प्रावधान है, यह है आपका सेक्शन, देखिए इसमें बी है, बी और सी में मुझे डाउट था, मैं सी की ओर जाऊंगा, आप चेक कर लेंगे इसे। ओके, व्यवसायी संघ अधिनियम किस धारा में किसी व्यवसाय संघ के रजिस्ट्रीकरण का ढंग किया गया है, इसका है सेक्शन 4। व्यवसाय संघ के राष्ट्रीयकरण के लिए आवेदन किया जा सकेगा, किसमें, सेक्शन 3 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वे सभी उद्देश्य जिनके लिए व्यवसाय संघ स्थापित किया गया है, वे सभी उद्देश्य, वह है सेक्शन 6 का ख। ओके, किसी व्यवसाय संघ को राष्ट्रीयकृत करने के से पूर्व रजिस्ट्रार अपना समाधान करने के लिए अतिरिक्त जानकारी की मांग कर सकता है, यह प्रावधान निहित है, किसमें है, सेक्शन 7। ओके, सेक्शन 7। ये देखेंगे कि व्यवसाय संघ अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत रजिस्ट्रार द्वारा व्यवसाय संघों को राष्ट्रीयकृत प्रमाण पत्र जारी किया गया है, यह है सेक्शन ए। ओके, सेक्शन 8, व्यवसाय संघ का अधिनियम किस धारा के अंतर्गत व्यवसाय संघ का राष्ट्रीयकरण रद्द किया जा सकता है, इसका आंसर होगा आपका 10। ओके, यह है कोई भी व्यक्ति किसी व्यवसाय संघ का सदस्य हो सकता है जबकि उसने निम्न उम्र प्राप्त कर रखी हो, कितनी, 15 उम्र प्राप्त कर रखी हो। ओके, वह उद्देश्य जिन पर कोई व्यवसाय संघ अपनी साधारण निधियों को व्यय कर सकता है दिए गए हैं, किसमें दिए गए हैं, सेक्शन सी में। ओके, व्यवसाय विवादों के आपराधिक षड्यंत्र संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है, किसमें, सेक्शन बी में। ओके, सेक्शन बी में, व्यवसाय संघ द्वारा सदस्य द्वारा व्यवसाय संघ की पुस्तकों के निरीक्षण के अधिकार के बारे में प्रावधान दिया गया है, किसमें दिया गया है, सेक्शन सी में। व्यवसाय संघ के पदाधिकारी के निराहताओं के बारे में उल्लेख किया गया है, किसमें किया गया है, सेक्शन सी में, यानी 21 में। राजनीतिक प्रायनों के लिए पृथक निधि के गठन के प्रावधानों को उल्लेखित किया गया है, किसमें किया गया है, यह होगा आपका सी। ओके, 22 का देखेंगे, राष्ट्रीयकृत व्यवसाय संघों का अधिकार दायित्व है, सेक्शन बी। ओके, 23 देखेंगे, अब मैं फास्टली आपको चलता हूं,
तो आप इनका आंसर जो है मैच करेंगे। इसका होगा डी, वैसे ये 27 में है, 27 इसमें से किसी में नहीं है। ओके 24 देखेंगे, 24 का भी डी है। ओके 25 का भी मैंने इसमें डी दिया है, आप इन्हें मैच कर लेंगे। ये तीनों क्वेश्चन डाउटेबल हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, यह है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन कब हुआ था, 1923 में। ओके इसे देख लेंगे, वैसे उसमें 1920 था, 20 ऑप्शन 20 मुझे मिला नहीं कहीं पर, 20 के बाद 23 में एक मीटिंग हुई थी तो मैंने उसे 23 की ओर गया हूं, ठीक है। व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 ये है आपका। देखिए इसमें 33 जो है सेक्शन है, 33 सेक्शन है, 5 चैप्टर है। अब 33 इसमें जो है सेक्शन है, 5 आपके चैप्टर हैं, तो चैप्टर 5 तो दिए हैं 61 सेक्शन में, 61 सेक्शन इसमें है ही नहीं, तो ये भी डाउटेबल क्वेश्चन है। मैंने बी लगाया है, आप देखेंगे इसे। ओके नेक्स्ट 28 ड्रॉप किया है, 29 देखेंगे, 29 का है डी, 29 का है डी। अब मैं जल्दी फास्टली चलता हूँ, 30 का ए। ओके 31 का बी। ओके 32 का सी, 32 का सी, 33 का है आपका ए। ओके 33 का है ए, 34 का है ए, 35 का है ए। ओके 36 का है बी, 36 का है बी, 37 का है सी। ओके 38 का है बी, 39 का है बी। ओके 39 का है बी, और 40 का है आपका ये होगा 6। ओके 41 देख लेंगे, 41 का है डी, 42 का है ए। ओके 42 का ए, 43 का है 12, 44 का है 27, 45 आप जब देखेंगे 45 का जो है वो है बी। ओके क्या है बी, ये है पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट इंक्वायरी कमेटी, ये जो बनाई गई थी। ओके 46 का है, देखिए इसमें है सेक्शन 52 पर 52 कहीं है नहीं इसमें, तो आप मैं डी की ओर जाऊंगा, ठीक है। कारखाना अधिनियम ये देखेंगे कि इस है, ये है आपका 47। ओके ये आपका 87 सॉरी डी 87 यहां देखेंगे आपका है 48 का देखेंगे बी, 48 का है बी, 49 का है आपका सी। ओके 49 का है सी, 50 मैंने किया नहीं है, 50 मैंने किया नहीं है, आप बी, वैसे मेरा क्वेश्चन जो है बी है, आप इसे मैच करेंगे, क्या है डाउटेबल क्वेश्चन था। और 51 देखेंगे आपका, 51 है आपका 240 डेज। ओके ए यहां देखेंगे 52 में है आपका बी। ओके 53 है ए, 54 है सी, 55 है सी, 55 सी। ओके 55 है सी, 56 देखेंगे, 56 ए, 57 सी, 58 इसमें देखिए 58 का है इसमें, मैंने नन ऑफ दीज की तरफ लगाया है, आप इसे चेक करेंगे इसका रियल क्या है, ठीक है। 59 का है ए, 60 का है बी, 61 का है डी, 61 का है डी, 62 का डाउटेबल क्वेश्चन है, वैसे मैं एक ही और जाऊंगा, आप चेक करेंगे इसे क्या होगा, ठीक है। देखिए भाई जो डाउटेबल क्वेश्चन मैं बोल देता हूं कि ये डाउटेबल है, उन पर आप उन्हें चेक कर लें, उनकी आंसर की पर आप भरोसा ना करें, क्योंकि मेरे मैं जो डाउट में रहता हूं उन पर मैं आपको एक एग्जैक्ट क्लियर क्लिक कट बता देता हूं कि ये क्वेश्चन डाउट में है। ओके नेक्स्ट देखेंगे 63 का ए। ओके 64 का सी, 65 का बी, 66 का है बी। ओके 66 का है बी। ओके 67 ड्रॉप है, 68 का है ए, सॉरी ये 69 है, 68 का है ए। ओके 69 का है बी, 69 का है बी, 70 की बात करेंगे तो 70 का है बी, 71 का सी, 72 का बी,
73 आप देखेंगे, 73 का है सी, 73 का है सी, 74 का है बी, ओके 75 का है बी, ओके 39 75 का बी, 76 76 का ए, 76 का है ए, ओके 77 77 का है ए, ओके 78 मैं ए की ओर जाऊंगा, डाउटेबल क्वेश्चन है आप चेक करिएगा, 79 का सी, ओके 80 का ए, ओके 81 ड्रॉप है, 82 ड्रॉप है, 83 ड्रॉप है, ठीक है ये मैंने सारे ड्रॉप किए हैं, अब मैं डायरेक्टली उनको कट करता हूं जो मैंने किए हुए हैं, 85 की ओर चलेंगे, तो 85 है आपका सी, ओके 85 से मैं सीधा आऊंगा 90, ओके मैं सीधा आऊंगा 90 का जो होगा वो होगा आपका सी, क्या होगा सी, 90 का सी है, ओके नेक्स्ट चलते हैं 91 का है आपका बी, 91 का है बी, और 93 का होगा आपका सी, 94 आप देखेंगे 94 का है बी, 95 का सी, 96 का बी, 97 ड्रॉप डाउन है, 98 होगा सी, 98 होगा सी, ओके 99 का सी, और 100 का बी, ये हैं आपके 100 के 100 क्वेश्चंस जो कि आपको करने थे। अब इनमें कुछ क्वेश्चन डाउटेबल हैं भाई, जो डाउटेबल क्वेश्चन हैं उन्हें आप चेक कर लीजिएगा, आपके कितने क्वेश्चन राइट हैं और कितने डाउट में हैं उन्हें चेक कर लीजिएगा, देन उनके बाद उनकी आंसर की आप श्योर करिएगा, और आपका कितना स्कोर बनता है ये भी हमें कमेंट कीजिएगा। अगर कोई बंदा ये कहता है कि आपके आंसर इनकरेक्ट हैं तो आप हमें बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं विद कंटेंट के, और मेंशन कर सकते हैं किस आर्टिकल से आपने पढ़ा है, वो आर्टिकल फिर हम जरूर देखेंगे।